पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। यह कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा, आकाश में तारे चमक रहे थे, इसके अतिरिक्त प्रकाश का कोई नामो निशान नहीं था क्योंकि रात्रि अमावस्या की थी। जंगल में गीदड़ व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ वातावरण की निस्तब्धता को यदा कदा भंग कर देती थी। झोंपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगा रहे थे। बच्चों के निर्बल कंठों से माँ माँ की चित्कार के साथ रोने की आवाज़ें आ रही थी। कुत्ते जाड़ों के कारण राख की ढेरी पर शरीर को सिकोड़ कर पड़े हुए थे। जब वे रोते थे तो वातावरण में दहशत फैल जाती थी। रात्रि के इस भयावह वातावरण में भी लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज़ चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, अर्थात आ जा भिड़ जा, आ जा, बीच बीच में चटाक चढ़ धा चढ़ धा, चटाक चढ़ धा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यह आवाज़ मृतक जैसे गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। जिले भर के लोग लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित थे। लुट्टन की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वह 9 वर्ष का था तो माता पिता की मृत्यु हो गई और उनका लालन पालन उनकी सास ने किया। बचपन में जब वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था, गांव वालों से सास को मिली तकलीफ़ों का बदला लेने की इच्छा से वह पहलवान बन गया। अब वह कुश्ती लड़ने लग गया था। एक बार लुट्टन श्याम नगर में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया। दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चांद सिंह नाम का पहलवान भी आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी भी पहलवान की नहीं थी। वह अजीब किलकारी भरता हुआ अखाड़े में लंगोट घुमाकर अपने अपराजित होने की घोषणा करता था। श्याम नगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। दर्शकों ने लुट्टन को पागल समझा। कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा साहेब ने कुश्ती रुकवाकर लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाज़त मांग ली। लुट्टन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक सभी ने समझाया, लेकिन वह नहीं माना और उसने राजा से कहा कि यदि आपकी आज्ञा नहीं मिली तो मैं पत्थर पर सिर मारकर मर जाऊंगा। भीड़ में भी अधीरता थी। पंजाबी पहलवानों का समूह लुट्टन को गाली दे रहा था। चांद सिंह खड़ा मुस्कुराता रहा। कुछ लोग लुट्टन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे और विवश राजा ने अनुमति दे दी। बाज बजने लगे किंतु लुट्टन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया था। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक व चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, छाती फटने को हो रही थी। उसके साथ केवल ढोल की आवाज़ थी जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति हिम्मत और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था। ढोल ने थाक थिना तिरकिर थिना की आवाज़ दोहराई जिसका अर्थ लुट्टन ने लगाया, दांव काट बाहर हो जा। और लुट्टन ने नीचे से निकलकर चांद की गर्दन दबा ली। ढोल ने चटाक था उठाकर पटक दे कहा। लुट्टन ने चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने फिर धिनाधिन थिक थिना की आवाज़ निकाली। चांद सिंह को लुट्टन ने चारों खाने चित्त कर दिया। ढोलक ने धा गिड़ गिड़ वाह बहादुर की ध्वनि की तो जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की और राजा श्यामचंद की जय जयकार कर दी। लुट्टन ने श्रद्धापूर्वक ढोल को प्रणाम किया।
और राजा साहेब को गोद में उठा लिया। राजा साहेब ने लुटन को शाबाशी दी और हमेशा के लिए अपने दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पहुंच रहे थे और राज पंडित व क्षत्रिय मैनेजर दबी जबान से उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि लुटन क्षत्रिय नहीं है। राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और लुटन के लिए सारी व्यवस्था करवा दी। लुटन ने भी कुछ दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिनमें काला खान नामक एक प्रसिद्ध पहलवान भी था। क्षेत्र के सभी पहलवान लुटन से हार चुके थे, अतः अब लुटन दर्शनीय जीव बन गया था। वह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता रहता था। हलवाई के आग्रह पर वह दो से रसगुल्ले खा जाता था, 8-10 पान एक पाल में ही मुंह में रख लेता था। वह बच्चों जैसे शौक करता था, जैसे आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथों में खिलौने को नचाना, मुख से पीतल की सीटी बजाना और हंसता हुआ लौटता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास और पत्नी दोनों मर चुकी थी। लुटन के दो पुत्र थे, दोनों ही पहलवान। लड़कों को देखकर लोग कहते, वह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित किए जा चुके थे। तीनों का भरण पोषण राजा के यहाँ से हो रहा था। लुटन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं है, ढोल है, अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना। उसने लड़कों को पहलवानी के सारे गुर सिखा दिए थे। अचानक राजा जी का स्वर्गवास हो गया और नए राजकुमार ने विलायत से लौटकर राजकाज अपने हाथों में ले लिया और इसी वजह से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी। अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोंपड़ी डाल दी, जहां ये गांव के नौजवानों और ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने की खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ली थी, किंतु गांव वालों की व्यवस्था भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। अतः अब लुटन के पास सिखाने के लिए अपने दोनों पुत्र ही थे। गांव पर भयानक संकट आ गया। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई। फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। गांव के सभी घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौतें होने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते, सूर्यास्त होते ही वे घरों में घुस जाते, सब चुप रहते और ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति भर देती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। एक लंबी सांस लेकर लुटन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुटन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जांघियां पहनी, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहाया। इस घटना से गांव वालों की भी हिम्मत टूट गई। 4-5 दिन बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बोली, तब प्रातः जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु ने इच्छा प्रकट की थी कि उनके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चित नहीं, और उनकी चिता को आग देते समय ढोल अवश्य बजाया जाए। आपके इस कहानी के विचार में क्या विचार हैं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में विचार लिख सकते हैं। यदि आपको इसमें कुछ नया कहानी में नज़र आता है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।